और आज की इस वीडियो में अगेन नई कुछ क्वेश्चंस लेके आप सबके सामने मैं आया हूं। और आज के इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं बेसिकली वो आप लोगों के कंप्यूटर पोर्शन से है, ठीक है। कंप्यूटर से आप लोगों के रिलेटेड क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिकली आपके JKPSI और VLW एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। JKPSI एग्जाम में आए हुए हैं और VLW एग्जाम में सेम एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। देखिए एक चीज़ बताऊं, जब भी कभी एक कैंडिडेट पढ़ता है ना तो उसके माइंड में एक चीज़ होती है कि एग्जाम में क्वेश्चन टफ आएंगे, ये उसके माइंड में होता है। लेकिन क्वेश्चन बेसिकली फैक्ट्स प्लस जो जनरल बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है ना किसी भी इंसान को कंप्यूटर यूज़ करने के लिए या जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक बच्चा एक स्टूडेंट कभी भी ये एनालाइज कर ही नहीं पाता बिना एक्सपीरियंस के, तो वो सारा एक्सपीरियंस इन क्वेश्चंस के जरिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ सो दैट कि आप लोग एग्जैक्टली चीज़ें वही करें जो मैं देखो। मैं आप लोगों को 100-150 क्वेश्चन नहीं करवा रहा, अगर मैं 100-150 क्वेश्चन करवाता तो आप अपने आप को जज करना शुरू हो जाते, ठीक है, फिर आप डिपेंडेंट हो जाते। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं कुछ वो क्वेश्चन चुनिंदा करवाऊँ आपको जो एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जैक्टली आप जब टॉपिक पढ़ो तो उस सेम जिस तरह के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उसी लेवल के क्वेश्चंस को जब आप टॉपिक में देखो तो बस वही करो, उससे ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, क्योंकि चीजें जितनी ज्यादा स्टीक हो कंसाइज हो उतनी ही ज्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम क्रैक करना है हमें, PhD नहीं करनी, ठीक है। चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे भैया ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के JKPSI एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको JKPSI एग्जाम में पूछे गए हैं और यही क्योंकि JKSSB ने ही कंडक्ट किया था ये एग्जाम सो इसीलिए पूरी चांसेस हैं कि इसी तरह के सेम क्वेश्चन VLW में भी आएंगे, ठीक है। चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए भाई कौन सा प्रोग्राम लोड फर्स्ट होता है, मतलब कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम फर्स्टली लोड होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बताइए। मतलब फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम जो है वो लोड होता है। देखिए पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, देखो एप्लीकेशंस वो होती हैं जैसे अडोब हो गया, MS ऑफिस हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं, टीम व्यूअर हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं उनको, एनेडेक्स हो गया, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम बीच में यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन ऑब्वियसली जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ये चीज़ें आती है। क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है कि जब स्टार्ट होता है तब कौन सा प्रोग्राम जो है लोड होता है, बिना टाइम वेस्ट करिए बता देता हूँ, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जिनको पता था बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन की बात करूँ तो ये तो मतलब ही कोई नहीं, और इसके साथ इंटरनेट कनेक्शन ये दोनों के दोनों अगर आपको एलिमिनेशन मेथड पता हो ना तो आप सीधा ही इन दोनों को करोगे, क्योंकि बात यहाँ पर सॉफ्टवेयर की जा रही है और यहाँ पर इन्होंने कनेक्शन दिया हुआ है, मतलब ही कोई नहीं। तो दोनों क्वेश्चन में अगर आपने बिल्कुल भी नलायक को आपको पता ही नहीं तो भी आप एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग पता लग जाएगा कि इन्हीं दोनों में से कोई सही है। तो एप्लीकेशन तो ओपन होने के बाद हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जब लोड कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो कौन सा प्रोग्राम लोड होता है, कौन सा, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क अप लैंग्वेज यूज टू ऐड इफेक्ट्स टू अ वेब पेज, ठीक है। बात यहाँ वेब पेज की हो रही है। देखो माय डियर, पहले जो टाइम पे वेबसाइट जो थी डिज़ाइन होती थी, दैट वाज डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग। किसके बेसिस? कोडिंग के बेसिस पे। बट आज कोडिंग को रिप्लेस किया है किसने? वर्डप्रेस ने, ठीक है। वर्डप्रेस हो गया और भी बहुत सारे ऐसे कंपनी चल पड़ी हैं जिन्होंने डायरेक्ट सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिए हैं जिसपे आप लोगों को कोडिंग की जरूरत नहीं होती, मतलब ऑलरेडी सबको सेट होता। बट इसमें बेसिक मैं ऐसे थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वेब पेज पे जो कौन सी मार्कअप जो लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है वेब पेजेस को क्रिएट करने में, मतलब वेबसाइट को क्रिएट करने में, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें तो सीधा सीधा यहाँ पर ना एक क्वेश्चन है, दैट इज़ इफेक्ट्स ऐड किए गए। XML भी यूज़ होती है, C++ डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है, सी लैंग्वेज की सारी डिज़ाइनिंग मतलब वेबसाइट वेब पेजेस में ही यूज़ की जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉमन एक यहाँ पर वर्ड है, दैट इज़ इफेक्ट, ठीक है। तो इफेक्ट के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, मार्कअप लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो है ये DTML, ठीक है, DHTML, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि टू कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन, बताइए
कि कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है। बात यहाँ किसकी हो रही है, बात हो रही है पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, पूरे के पूरे कंप्यूटर ऑपरेशन को कौन कंट्रोल, कौन सा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, ठीक है। यूटिलिटी और यूजर्स, नो डाउट हम लोग यूजर्स हैं, हम जो भी वर्कआउट करते हैं दैट्स अ दैट मतलब जो भी हम प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं अपने थ्रू दैट इज यूटिलिटी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है जो पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। देखो एप्लीकेशंस में तो ऑलरेडी सारी चीज़ें इंस्टॉल होती है ना, ये तो मतलब इसका तो मतलब ही कोई नहीं, तो आंसर है इसका सिस्टम, ठीक है, सिस्टम इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस इंटरनेट, ठीक है। नीचे जितने भी ये दिए हैं आप लोगों को जो भी ऑप्शंस दिए हैं बताइए भाई इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा है जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। देखो एमएस वर्ड, एडोब रीडर, टीम व्यूअर, मैंने आपको पहले ही बताया ये दिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। आंसर सिंपल सीधा सा, गूगल क्रोम जिसपे हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। आप ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं डिस्कस करूँ देन उसके बाद हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट सच एज फेसबुक एंड ट्विटर आर क्लासिफाइड एट डैश साइट्स। आप सभी को पता है कुछ एजुकेशनल साइट्स होती हैं, कुछ कंपनी वाली साइट्स होती हैं, ठीक है, कुछ सोशल मीडिया साइट होती हैं, कुछ ई कॉमर्स साइट्स होती है ना, ये सभी के नाम दिए हैं यहाँ पे, एजुकेशन, न्यूज़ मीडिया, उसके बाद ई कॉमर्स। तो बताइए सोशल मीडिया हो गया, सॉरी फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये कौन सी वाली वेबसाइट्स की कैटेगरी में आता है। तो आंसर सिंपल सोशल मीडिया, आप सभी को पता है। देखो भाई अब आप लोगों को इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं क्या समझाना चाहता हूँ, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, नो डाउट ये जितने भी क्वेश्चन, जैसे ये सोशल मीडिया वाला हो गया, पीछे जाएँ तो ये इंटरनेट वाला हो गया, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ये सारे के सारे आपके बेसिक फैक्ट्स और जनरल नॉलेज, जनरल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हैं, ठीक है ना। आपको जनरल इंफॉर्मेशन हो तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हो ना। सेम ये भी वही है सोशल मीडिया वाला, ठीक है। और आपके ये जो पहले क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए ये सॉफ्टवेयर वाले, ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल में से निकल जाते हैं, सारे के सारे फंडामेंटल। मैं आपको पहले बता दूं आपके कंप्यूटर में 70% क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर फंडामेंटल में से आते हैं, फंडामेंटल में से आते हैं। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसी में उसके बाद आपके एमएस ऑफिस में से क्वेश्चन आते हैं, 2-3 इंटरनेट में से आते हैं। सो गाइज ये थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा। और हाँ अगर आपने अभी तक हमारी जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप इंस्टॉल नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।